बड़ी खबर आ रही है असद एनकाउंटर मामले में। अब पुलिस उस क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर रही है, वहां पर पुलिस की टीम आ रहा है, सामने एसटीएफ की टीम है, सामने एसटीएफ की टीम है और ये लोग एसटीएफ की टीम पर फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है और पीछे एसटीएफ की टीम है, पीछे एसटीएफ ने किस प्रकार से इन लोगों को घेरा हुआ था ये सारा कुछ रिक्रिएशन करके बताया जा रहा है। ये वही जगह है, वही जगह है जहाँ जहाँ 13 अप्रैल को असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ था। ये गुलाम को मरा हुआ दिखा दिया गया है, गुलाम को गोली लगी है, उसके बाद असद को वहां गिरा हुआ दिखाया जा रहा है। दोनों लोग असद और गुलाम इसी पोजीशन में पड़े हुए थे, ये इनका रिक्रिएशन है और ये असद के हाथ में एक असला रिवॉल्वर जो है दिखाई जा रही है और एक गुलाम के हाथ में रिवॉल्वर दिखाई जा रही है। ये इसी पोजीशन में ये लोग पड़े हुए थे, जिस दिन एनकाउंटर हुआ उस दिन असद की टीम सबसे पहले जब यहाँ पहुंची थी तो ये लोग इसी पोजीशन में पड़े हुए थे। इसके बाद इनको मेडिकल के लिए भेजा गया था, दोनों लोग इसी पोजीशन में पड़े हुए थे। गुलाम को चप्पल पहने हुए दिखाया गया था और असद को जूता पहने हुए दिखाया गया था। वही पोजीशन, वही क्रिएशन में वही चीजें सारी कुछ दिखाई दे रही हैं कि इस प्रकार से इन लोगों को एसटीएफ की गोली लगी, इस प्रकार से ये पोजीशन में बॉडियां पड़ी हुई थी और इसी पोजीशन में ये दोनों लोगों के बॉडी वहां पड़ी हुई थी और दोनों लोग पुलिस एसटीएफ के एनकाउंटर में मारे गए थे। झांसी से अमित श्रीवास्तव आज तक के लिए पोजीशन असद किस असद।